Assalamu alaikum. My name is Javed Iqbal Ewan. Sisha Point of Sale Inventory and Sales Software की सीरीज में की तीसरी सीरीज तीसरी रिकॉर्डिंग में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ. इससे पहले मैं दो वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जिसमें मैं पहली वीडियो में मैं स्क्रिप्ट बता बनाना सिखा चुका हूँ. इस एप्लीकेशन की डेटाबेस स्क्रिप्ट वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो शो कर चुका हूँ. और दूसरी मैं आप लोगों को लॉग इन रूल के साथ कर चुका हूँ, जो कि मेरी रिकॉर्डिंग मौजूद है. अगर आप देखना चाहें तो पॉइंट ऑफ प्लेलिस्ट के अंदर, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर पॉइंट ऑफ सेल इन्वेंट्री एंड सेल्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें एक तो आपके पास ये पहली है जिसमें पॉइंट ऑफ सेल इन्वेंट्री एंड सेल्स की स्क्रिप्ट मैंने पे रिकॉर्ड किया था. मैंने पूरी ट्रेनिंग रिकॉर्ड की थी और जिस अगेंस्ट में अब उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने डेटाबेस बना चुके होंगे और टेबल्स बना चुके होंगे. और मैंने ये भी उसमें मेंशन किया था कि अगर किसी को मुश्किल होती है तो देन वो मुझे कमेंट कर दे अपनी ईमेल आईडी के साथ, तो मैं जो है उसको जो है वो उसकी आईडी पे ये स्क्रिप्ट जो है मेल कर दूंगा. तो कुछ लोगों ने किए और मैंने उनको दे भी दिए, स्क्रिप्ट भेज दी है. इसके बाद फिर दूसरी रिकॉर्डिंग में पॉइंट ऑफ सेल में मैंने जो है वो लॉगिन बनाना सिखाया था, जिसमें हमने रोल को चेक किया था और टाइप चेक की थी कि अगर एडमिन है तो देन उसको ये फॉर्म मिल जाए, और अगर यूज़र है तो उसको क्या अकाउंटेंट है या सेल्समैन है तो उसको ये फॉर्म मिल जाए. कैशियर वगैरह के लिए अलग हमने फॉर्म बनाया था, तो इसको भी देख लीजिएगा. अगर आपने नहीं देखा तो इन दो वीडियोस को ज़रूर देखिएगा. स्टार्टिंग आपने जो है वो स्क्रिप्ट से करनी है. डेटाबेस नॉर्मल सी बात है, पहले डेटाबेस और टेबल्स बनेंगे और स्टोर प्रोसीजर बनेंगे तो देन उसके बाद ही काम होगा. इसमें मैंने ये सब चीज़ें डेटाबेस का स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन किया था. उस पर आप पहले डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाए, इसके बाद फिर आप ये फॉर्म बनाइएगा लॉगिन का. और इसके बाद जो आज मैं ट्रेनिंग कर दे रहा हूँ, जिसमें मैं एप्लीकेशन के लिए एक डेटा एक्सेस लेयर बना के काम करूँगा, तो मैं उसको आज समझाता हूँ. अच्छा, अब पहली बात है कि हम डेटा एक्सेस लेयर क्यों बनाते हैं. देखिए, जब भी हम कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें हमें फास्ट आउटपुट चाहिए और कम टाइम में हमें एप्लीकेशन बनानी हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि बार बार हम एग्जीक्यूट का मेथड लगाएंगे, रीड करने के लिए डेटा टेबल का मेथड की क्लास यूज़ करेंगे, डेटा टेबल की क्लास या डेटा सेट की क्लास यूज़ करेंगे. तो हम चाहते हैं कि बार बार वो मेथड हमें यूज़ करने पड़े और हमें वो कोड लगाना पड़े, तो फिर हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं. उस क्लास के अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग भी दे देते हैं और वो सारे मेथड्स भी दे देते हैं. फिर पूरी एप्लीकेशन में मुझे चाहे इंसर्ट की गिरी हो, चाहे अपडेट की गिरी हो, चाहे डिलीट की गिरी हो, पूरी एप्लीकेशन में उसको एग्जीक्यूट करना होगा. तो देन उस सूरत में मैं क्या करूँगा, इस क्लास के अंदर आके एग्जीक्यूट का मैंने मेथड लगाया होगा, वहाँ से मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, वहाँ से मैं पैरामीटराइज काम करूँगा. और एसक्यूएल पैरामीटर की क्लास को यूज़ करके हम पैरामीटराइज काम करेंगे. वहाँ से जो है स्टोर प्रोसीजर भी जो है वो मैंने थ्रू मैंने काम किया है, तो उसको हम पैरामीटर भी पास करेंगे, उस मेथड को भी हम यहीं पे आके एग्जीक्यूट करेंगे. तो ये पूरी एक क्लास हो गई जिसको मैंने डीबी का नाम दिया है, एंड जस्ट लाइक आपकी डेटा एक्सेस लेयर हो गई और जो डेटाबेस से कनेक्ट होगी और सारे एग्जीक्यूशन के मेथड सारे इसके अंदर हम पास करेंगे. और फिर इसके बाद अपने फॉर्म पे जाके जो है वो क्यूरीज लगा स्टोर प्रोसीजर कॉल करेंगे और फिर वहाँ से एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पास करेंगे. अगर मैं इसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल करना चाहता तो फिर मैं बिजनेस लॉजिक लेयर भी बना लेता, लेकिन वो डिपार्टमेंट वाइज बनती है और उसकी यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री एंड सेल्स की एप्लीकेशन है, इसमें कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं, तो इसलिए जो है मुझे इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है. लेकिन मुझे डेटा एक्सेस लेयर की लाजमी ज़रूरत है, ताकि जिसके ज़रिए से मैं डेटा को एग्जीक्यूट करा सकूँगा. तो बार बार मुझे एग्जीक्यूशन के मेथड पे कनेक्शन ओपन करना, कनेक्शन क्लोज करना, मैं इन सबसे बचता जाता हूँ. तो मैं वन टाइम यहीं पे कनेक्शन ओपन भी करूँगा, कनेक्शन क्लोज भी करूँगा और यहीं पे क्यूरी एग्जीक्यूट भी करेंगे. तो इस पर्पज़ के लिए हम क्लास बनाते हैं. तो अब देखिए, मेरी क्लास जो मैंने बनाई है, उस क्लास के अंदर मैं आपको क्लास पूरी समझाता. पहले तो मैंने सील क्लास बनाई है. सील क्लास ऐसी क्लास होती है जिसको कहीं इनहेरिट ना हो सके. तो मेरी इस पूरी एप्लीकेशन में और कोई दूसरी क्लास ही नहीं है, और जब दूसरी क्लास ही मैंने नहीं बनाई है तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस क्लास को किसी और दूसरी क्लास से इनहेरिट तो करना नहीं है. तो फिर मैं इसको सील क्लास बना लूँगा, ताकि रिसोर्सेज भी कम हो और सिक्योर भी हो. तो मैंने सील क्लास बनाई है, नाम मैंने उसे रखा डीबी. यहाँ मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी. कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की क्लास के अगेंस्ट में पास की है. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको रेफरेंस ऐड करना पड़ता है, जिससे ये हमारे पास सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन हमें विन फॉर्म में बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता. तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एप्लीकेशन में आपने यहाँ पे एप्लीकेशन में अंदर राइट क्लिक करना है और ऐड रेफरेंस पे आपने आना है, और यहाँ से आपने सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन की लाइब्रेरी है उसको आपने यहाँ से चेक लगाना है. जैसे ये देखिए, मैंने चेक लगा के और ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइब्रेरी फिर जब ऐड कर लेंगे अपने रेफरेंस में, जब इस लाइब्रेरी को जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं होती विन फॉर्म में, लेकिन एसवी और एमवीसी वगैरह में ऐड होती है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे. जब ऐड कर देंगे
तो देन हमारे पास ये लाइब्रेरी का मुझे रेफरेंस मिलेगा, मैं इस लाइब्रेरी को यहाँ कॉल करूँगा और जब इसको कॉल करूँगा तो इसके अगेंस्ट मुझे क्लास मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की, जिसको मैं एसक्यूएल कनेक्शन के लिए यूज़ करूँगा। एसक्यूएल कनेक्शन के लिए हमने एसक्यूएल क्लाइंट की लाइब्रेरी कॉल की है, तो एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास मिली है। इसके कंस्ट्रक्टर में हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की क्लास दे के डॉट कनेक्शन के मेथड दिया और इन्वेंट्री का मैंने नाम दिया। तो फिर एप्लीकेशन कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आ जाते हैं, तो एप्लीकेशन कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आके मैं यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बना दूंगा और उस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम मैं जो है वो इन्वेंट्री पास कर दूंगा। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं और हमने एप्लीकेशन कॉन्फ़िग फाइल, क्योंकि डायरेक्टली एप्लीकेशन कॉन्फ़िग फाइल को हिट करती है, तो हमने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने बना दिया और इस कनेक्शन स्ट्रिंग में हमने कहा ऐड नेम और यहाँ मैंने नाम दे दिया उसको इन्वेंट्री का। फिर हमने कहा कनेक्शन स्ट्रिंग या हम अपने कनेक्शन डेटा सोर्स का नाम देंगे जो हमारा सर्वर जो है, और इसके लिए हम सर्विस की जगह हम सर्वर भी लिख सकते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका था। और फिर इसके बाद हमने डॉट दे दिया, इसके बाद आपने यहाँ पर आके डेटाबेस का नाम देना है। मैंने कहा इनिशियल कैटलॉग इक्वल टू और मैं डेटाबेस का नाम दूंगा, मेरे डेटाबेस का नाम इन्वेंट्री है। और फिर इसके बाद हमने यूज़र आईडी देनी है और इसी तरह हमें पासवर्ड देना है और मेरी यूज़र आईडी जो है मेरे पास एस ए है, मैंने इक्वल टू एस ए पास कर दिया और पासवर्ड जो मेरे पास है वो है 123, मैंने यहाँ पे पासवर्ड 123 पास कर दिया। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग बनेगी। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग पूरी एप्लीकेशन में एक ही जगह लग रही है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग फाइल जो कि हमारे पास एक्सएमएल फाइल होती है, शेयरेबल फाइल होती है, ये पूरी एप्लीकेशन में शेयर हो सकती है क्योंकि एक्सएमएल फाइल है। यहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का रूट बनाया, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम पास कर दिया इन्वेंट्री का और यहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी जिसमें हमने अपने सर्वर का नाम दिया। और इसी तरह से मैंने आपको जो सर्वर का नाम है अपना सर्वर का नाम यहाँ पास कर दीजिएगा। इनिशियल कैटलॉग में अपने डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ, मैंने इन्वेंट्री के नाम से डेटाबेस बनाया, जो भी मैंने स्क्रिप्ट भी आपको जो पिछली रिकॉर्डिंग में मैं बता चुका हूँ उसमें इन्वेंट्री के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये इन्वेंट्री का मैंने नाम दिया है। यहाँ पर भी अपने डेटाबेस का नाम कॉल कर दिया। फिर मैं एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन पे काम कर रहा हूँ, मेरा यूज़र आईडी एस ए और पासवर्ड जो है मेरा 123 है। आपके पास अगर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन पे काम कर रहे हैं तो जो आपका एस ए है अगर लॉगिन आईडी है तो वो पास कर देंगे और अपना पासवर्ड आप यहाँ दे देंगे। और अगर आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन पे काम कर रहे हैं तो फिर आप इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू कर देंगे, फिर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर डीबी के अंदर आके इस क्लास में आके मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग का कॉल कर रहा हूँ। इस कनेक्शन स्ट्रिंग कॉल करने के लिए एसक्यूएल कनेक्शन मैंने क्लास ली और उसके कंस्ट्रक्टर में आके मैंने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की क्लास ली जो कि मुझे यहाँ पे इस लाइब्रेरी यानी कॉन्फ़िगरेशन की लाइब्रेरी के अगेंस्ट में मिली है। और ये क्लास के अगेंस्ट में डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग का मेथड मिला और उसके बाद हमने यहाँ पर आके अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का जो नाम देंगे, जिस नाम से हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है, वो नाम यहाँ पास कर दूंगा डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग करके हमने इसको कॉल कर दिया। ठीक है जी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे जो है एसक्यूएल डेटा डॉक्टर यूज़ करूँगा, तो मैं यहीं पे डॉक्टर की क्लास लेकर उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। मैंने डेटा टेबल यूज़ करूँगा, मैं डेटा टेबल की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। एसक्यूएल कमांड की क्लास ली, उस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। बाकी इंस्टेंस उनका मैं आगे बनाऊंगा, यहाँ मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने एक स्टैटिक वेरिएबल मैंने बनाया है सी का, जो मैं वैल्यू क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल करूँगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के लिए। और इसे के बी के नाम से वेरिएबल बना लिया, इसको भी मैं वैल्यू इसको भी जो है एज ए स्ट्रिंग में यूज़ करूँगा पूरी एप्लीकेशन में। तो मैं इस बी के वेरिएबल को जो कि मैं लेकिन सॉरी इस बी को मैं प्राइवेट बना रहा हूँ, तो मैं बेसिव वर्सिव यहाँ पे बारकोड के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ वैल्यू रखने के लिए और सेट गेट और सेट करने के लिए। जब बारकोड आएगा तो बारकोड के लिए मैंने एक मेथड बनाया है बी कोड के नाम से, और यहाँ से जो है वो इस पे आके रिटर्न करेगा बी को और जहाँ से बी को वैल्यू असाइन करेगा। उसको मैंने इनकैप्सुलेट किया है, ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं करना चाहे तो ना छट करें, लेकिन ये है कि फिर हम सिर्फ गेट और सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इनकैप्सुलेट भी करना चाहता हूँ तो फिर मैं इसको प्राइवेट करूँगा, अदरवाइज़ यहाँ पे सिर्फ आप गेट और सेट लगा लें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो वो भी यही काम करेगा लेकिन ये कि इनकैप्सुलेट नहीं करेगा। फिर मैंने एक मेथड बनाया गेट टेबल के नाम से, उसकी टाइप मैंने यहाँ पे डेटा टेबल रखी है। अब क्या होगा कि जब मुझे पूरी एप्लीकेशन में कोई भी सिलेक्ट की क्वेरी, यानी मैं तो स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ लेकिन स्टोर प्रोसीजर कोई भी सिलेक्ट का स्टोर प्रोसीजर मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा सिंपल आके जो है वो इस मेथड को यूज़ करूँगा। लेकिन ये तो खैर मैंने स्टोर प्रोसीजर के लिए नहीं बल्कि मैंने क्यूरी के लिए बनाया है। तो अब जो मैं वहाँ पे कोई भी सिलेक्ट की क्वेरी यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पे इस क्यूरी के आर्गूमेंट मैंने इस मेथड को कॉल करूँगा और यहाँ पे जो है इसके आर्गूमेंट में अपनी क्यूरी पास कर दूँगा। तो वो जो क्यूरी के जरिए से मैं डेटा टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ और उसमें रिकॉर्ड फेच करवाना चाहता हूँ, तो फिर यही एक मेथड होगा पूरी एप्लीकेशन का जिसमें मैं इसको क्यूरी दूंगा। अब वो चाहे कोई भी क्यूरी होगी लेकिन होगी सिलेक्ट की क्यूरी, तो क्या करेगा डेटा टेबल की क्लास के अगेंस्ट में यहाँ पे जो एडॉप्टर की क्लास में यहाँ पे आके मेरी क्यूरी मिल जाएगी, यहाँ से उसको कनेक्शन मिल जाएगा।
फिर भी इसके बाद जो है डेटा टेबल का मैंने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, जो मेरे ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया या इंस्टेंस क्रिएट हो गया। फिर एडॉप्टर से मैंने फिल कर दिया डेटा टेबल को, फिर कनेक्शन को मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन कनेक्शन क्लोज़ की ज़रूरत नहीं, अगर आप ना भी करना चाहें तो कनेक्शन क्लोज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहा हूँ। और साथ में मैंने इसको रिटर्न कर दिया डेटा टेबल को। तो सर उधर पूरी एप्लीकेशन में मुझे कोई भी सिलेक्ट की क्वेरी लगानी है तो मुझे कहीं पे भी डेटा टेबल लेने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं पे भी मुझे जो है वो एडॉप्टर को से फिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये मेथड कॉल करूँगा इस क्लास का, और यहाँ पे उसके आर्गूमेंट में इस मेथड को कॉल करूँगा गेट टेबल का, और उसके आर्गूमेंट पर यहाँ पर अपनी क्यूरी पास कर दूँगा, वो यहाँ पर आएगा और उसके ज़रिए से डेटा टेबल मेरा फिल हो जाएगा, और इस डेटा टेबल को फिल होने के बाद उसको रिटर्न कर देगा। फिर आ जाते हैं, अगर मैं डेटा टेबल यूज़ कर रहा हूँ और मैं क्यूरी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं पैरामीटराइज क्यूरी देना चाहता हूँ, मैं पैरामीटर पास करना चाहता हूँ। अच्छा, देखिए हम जो है डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर के जरिए से भी इंसर्ट अपडेट डिलीट और सिलेक्ट सब काम कर सकते हैं। तो ये जो मैंने मेथड बनाया है ये बेसिकली मैंने इंसर्ट अपडेट और डिलीट के लिए बनाया है, और इसमें मैं पहले आर्गूमेंट में अपनी क्यूरी एज ए स्ट्रिंग इसको क्यूरी पास करूँगा, फिर उसके बाद मैं अपने पैरामीटर के एरे मैंने बनाऊँगा, और उस एरे के जरिए से मैं इसको पैरामीटर एरे पास करूँगा जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है पैराम वैल्यूज़ के नाम से। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आके ऐड रेंज के मेथड पे आके मेरे पैरामीटर्स को यहाँ से कैप्चर करेगा, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मैंने मेथड लगा दिया है जो कि मेरे पास कनेक्टेड आर्किटेक्चर का होता है। मैं यहाँ से उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद मैं यहाँ पर डेटा टेबल को उसमें पास किया, और डेटा टेबल को पास करने के बाद मैंने उस डेटा टेबल को रिटर्न कर दिया क्योंकि मैंने इस मेथड की टाइप डेटा टेबल रखी है। ये साथ साथ जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो इन्हीं टेबल पे आगे मैं आपको साथ साथ समझाता रहूँगा कि देखिए मैंने ये क्यूरी लगाई है और ये क्यूरी मेरे पास यहाँ पर आई है, ये स्टोर पोजीशन मैंने लगाया, ये स्टोर पोजीशन मेरा यहाँ पर आया है, और यहाँ पे आके मैं उसको पैरामीटर्स की वैल्यू दे रहा हूँ। तो मैं साथ साथ आपको इन सबको समझाता रहूँगा, लेकिन फिल वक्त आपने ये बनाना है सेम एज इट इज ऐसे ही बनाना है, ताकि आप साथ साथ इसके बाद के फॉर्म्स को जो मैं कोड करता रहूँगा वो कोड भी देखते रहेंगे, और कोड को भी आप साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो वक्त के साथ साथ यानी मेरे साथ साथ आप चलेंगे तो ये एप्लीकेशन बन सकती है, अदरवाइज बटर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर काम करना आपको मुश्किल हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएंगे। तो बेहतर है साथ साथ चले, तो बिल्कुल एज इट इज ऐसे बनाएं, लेकिन जब मैं वहाँ पे कोड लगाऊंगा वहाँ मैं समझाऊंगा, देखो मैं गेट टेबल का मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक ही नाम से दो मेथड बनाया, तो यहाँ मैं जो है पॉलीमॉर्फिज्म के मैं पढ़ा भी चुका हूँ कि मैं जो है मेथड ओवरलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मेथड का नाम एक ही है लेकिन उसका सिग्नेचर चेंज है, तो ये मेथड ओवरलोडिंग में आ रहा है। तो मैं सिर्फ गेट टेबल का मेथड लूँगा, और अगर मैं सिर्फ क्यूरी दूंगा तो इस मेथड को कॉल करेगा, और अगर मैं क्यूरी के साथ जो है पैरामीटर भी पास करूंगा तो इस मेथड पे आ जाएगा, और यहाँ पे पैरामीटराइज जो है वो क्यूरी जो है ऐड रेंज के मेथड के जरिए से उसकी वैल्यू पैरामीटर्स में चली जाएगी। फिर इसी गेट टेबल के नाम से मैं तीसरा मेथड भी बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, क्यूरी भी देना चाहूँगा, साथ में पैरामीटर भी देना चाहूँगा, और फिर कमांड टाइप भी दूंगा ये स्टोर प्रोसीजर के लिए। ये बेसिकली अगर मैं सिंगल क्यूरी लगाऊंगा तो इसको यूज़ करूँगा, सिंगल इनलाइन क्यूरी लगाऊंगा यानी इनलाइन सिंगल क्यूरी यानी इनलाइन क्यूरी लगाऊंगा तो इसको यूज़ करूँगा इस मेथड को, ये भी इनलाइन क्यूरी के लिए, और ये बेसिकली जो मेथड है ये मेरा स्टोर प्रोसीजर के लिए होगा, जिसमें मैं कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर का मेथड बताऊँगा उसको। तो ये यहाँ पर आ जाएगा कमांड टाइप, इसको मिल जाएगी स्टोर प्रोसीजर, और जब स्टोर प्रोसीजर मिल जाएगी तो इसका मतलब है अब वो स्टोर प्रोसीजर को कैप्चर करेगा और उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करके पैरामीटराइज है, तो यहाँ से पैरामीटराइज को रेंज की शक्ल में बंडल की शक्ल में, क्योंकि मैं एरे की शक्ल में दूंगा तो उसको बंडल की शक्ल में उठाएगा, और बंडल की शक्ल में उठा के इंसर्ट अपडेट डिलीट या जिस स्टोर प्रोसीजर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वन टाइम एक साथ उठा के फेंकेगा तो फास्ट आउटपुट हो जाएगा, और मेरे लिए जो कोड भी मेरा कम से कम हो जाएगा, और मुझे एग्जीक्यूट करने का फॉर्म पे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे आके इसको एग्जीक्यूट भी करता रहूँगा, और ये सारे स्टोर प्रोसीजर्स के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा, जो स्टोर प्रोसीजर जिसमें मैं लाजमी होते पैरामीटर बना रहा हूँ, और पैरामीटर भी उसके अंदर होंगे, और साथ में क्यूरी भी क्यूरी इसमें आ जाएगी, और स्टोर प्रोसीजर जो है साथ साथ आ जाएंगे, तो देन मैं इस स्टोर प्रोसीजर के लिए इस मेथड को यूज़ करूँगा। तो गेट टेबल के मैंने तीन मेथड बनाए ओवरलोड हुए हैं, ये सिंपल सिंगल इनलाइन क्यूरी के लिए, ये आपके पास इनलाइन क्यूरी लेकिन साथ में पैरामीटर के साथ के लिए होगी तो मैं इस मेथड को यूज़ करूँगा, और इनलाइन क्यूरी लेकिन स्टोर प्रोसीजर अगर मैं देना चाहूँगा जिस तो उसके लिए मैं जो है स्टोर प्रोसीजर के लिए इस मेथड को यूज़ करूँगा। फिर ये हमारे पास एग्जीक्यूट क्यूरी है, क्या बुलियन में मेथड बना रहा हूँ ये एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल एग्जीक्यूट करेगा, नहीं इनलाइन क्यूरी मैं इसको दूंगा, और इसके ज़रिए से मैं एग्जीक्यूट मैसेज भी पास करवाऊंगा कि आया जो है वो हो गया है, रिटर्न हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, तो उसको मैं चेक करा के कि अगर यहाँ से ट्रू हो जाता है तो दिन मास में मैसेज भी पास कर दूंगा। तो ये भी एग्जीक्यूशन के लिए मैं मेथड बना रहा हूँ,
और इसको भी जो है मैं एग्जीक्यूट करूँगा, लेकिन इन लाइन के लिए करूँगा, ये मैं बूलियन कर रहा हूँ डेटा टेबल के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, बूलियन के थ्रू कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं लॉग इन वगैरह या इस तरह की कोई भी मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ देन वहाँ भी यूज़ करूँगा। तो इससे पहले जो मैं लॉग इन कराया था मैंने उसको कनेक्शन इस पर एंटीयर आर्किटेक्चर पर नहीं कराया था, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं लॉग इन भी आपको एंटीयर आर्किटेक्चर पर करना सिखा दूँगा, लेकिन फिल वक्त हम बाकी चीज़ों को कम्प्लीट करेंगे, फिर लास्ट में ऐसा हुआ तो मैं इस पर भी काम करूँगा। फिर इसी तरीके से एग्जीक्यूट क्वेरी का मैं एक और मेथड बना रहा हूँ ओवरलोड करके, अगर मैं कोई भी पैरामीटर देना चाहते हैं तो फिर बूलियन के मेथड के जरिए से मैं इसको करूँगा और यहाँ से जो है वो चेक कराएंगे अगर क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है तो ये क्या होगा कि रो काउंट में कोड थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है रो काउंट के नाम से जिसकी टाइप इंटीजर होगी। रीज़न क्यों इंटीजर बनाया है कि जब हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो हमें एसक्यूएल की तरफ से रिटर्न आता है वन क्वेरी एग्जीक्यूटेड, या दो होती है तो टू क्वेरी एग्जीक्यूटेड आती है, तो जो वन और टू है वो नंबर है तो ये वहाँ से कैप्चर करेगा कि वन क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है टू क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, तो यहाँ से वो नंबर इसको चेक करेगा जो हमारा एग्जीक्यूट होने वाला मेथड पास करेगा। तो लाजमी बात है उसके लिए मुझे जो वेरिएबल बनाना है उसकी टाइप इंटीजर रखनी है, मैं स्ट्रिंग में नहीं कर सकता, फिर मुझे कास्ट करना पड़ जाएगा। तो इस पर्पज़ के लिए मैंने उसकी टाइप इंटीजर रखी है, एक पहले कनेक्शन को ओपन किया, ओपन करने के बाद एसक्यूएल कमांड की क्लास का या इंस्टेंस बनाया, इसके आर्गूमेंट पर हमें क्यूरी देंगे, इसके बाद हम यहाँ पर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट दे देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है मैं पैरामीटराइज कर रहा हूँ, तो पैरामीटर्स डॉट ऐड रेंज, जब हम एसक्यूएल पैरामीटर की क्लास यूज़ करते हैं तो फिर हम ऐड रेंज का मेथड यूज़ करते हैं, और अगर हम एसक्यूएल पैरामीटर की क्लास यानी एरे क्लास के, ये एरे क्लास है, अगर मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता, मैं सिंपल अगर स्टॉप प्रोसीजर के सिर्फ पैरामीटर्स को वैल्यू देता हूँ तो ऐड विथ वैल्यू का मेथड होता है हमारे पास, लेकिन चूंकि मैं पैरामीटर को बंडल की शक्ल में दूंगा तो फिर इसलिए मुझे ऐड रेंज का मेथड यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ से जो भी मेरी वैल्यू होगी जितने भी पैरामीटर्स है जितने वो जो एरे बनेंगे उस सब की वैल्यू यहाँ पे साइन हो जाएगी, उसे एक साथ लेके जाएगा। फिर हमें पता है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मेथड एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, वो एसक्यूएल कमांड की क्लास का मेथड है, तो एसक्यूएल कमांड की क्लास का ऑब्जेक्ट है सीएमडी, और जिसका मेथड एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मेथड है ये एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करके इस वेरिएबल को अगर एक क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है तो वन पास करेगा, वैसे तो एक ही होगी लेकिन अगर एक से ज़्यादा होती है तो दो पास करेगा, अगर एग्जीक्यूट नहीं होगी तो जीरो पास करेगा। तो मैसेज आते ना जब एसक्यूएल पे जाते हैं, एसक्यूएल पे जाके हम इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं या अपडेट की लगाते हैं, तो अगर वो इंसर्ट हो जाता है तो नीचे आता है वन क्यूरी एग्जीक्यूटेड, और अगर नहीं आता तो लिखाता है जीरो क्यूरी एग्जीक्यूटेड। जब जीरो का मतलब है कि इसका एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो अगर इसको यहाँ पे जीरो मिलता है तो फिर देन उस सूरत में पहले तो कनेक्शन का मैंने क्लोज किया क्योंकि एसक्यूएल कमांड से मैं बाहर चला गया हूँ। फिर आगे मैं इस रो काउंट को चेक करता हूँ कि अगर वो जीरो हो गया तो बूलियन मेथड है रिटर्न करेगा फॉल्स, तो मैं वहाँ पर चेक करूँगा। अगर हो जाती क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो वन आएगा, तो इसका मतलब है जीरो तो नहीं आएगा, वन आएगा, या दो होगी तो दो टू आएगा, तो जो भी आएगा तो जीरो नहीं होगा, तो फिर ये जाएगा एल्स में और रिटर्न कर देगा ट्रू, और जब रिटर्न ट्रू कर देगा तो मैं वहाँ से फॉर्म से ये चेक करूँगा कि अगर ये मेथड रिटर्न कर रहा है ट्रू तो इसका मतलब है क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, और मैंने मैसेज पास कर दिया कि आपका रिकॉर्ड सेव हो चुका है, स्टॉक का हो गया या सेल का हो गया, या एक मिसाल है हमारा वेंडर का रिकॉर्ड हो गया, या फिर हम जो इस आइटम रिटर्न का है के काम इसके अंदर भी हम करेंगे, जो जो भी हम काम करेंगे तो उसके लिए अगर मैं बूलियन मेथड को यूज़ करना चाहूँगा तो इसको यूज़ करूँगा, अगर डेटा टेबल को यूज़ करना चाहूँगा तो मैं उसको यूज़ करूँगा। मैंने दोनों चीज़ के अंदर बना के दिए ताकि आप समझ भी लें। इसी तरीके से अगर स्टोर प्रोसीजर के थ्रू अगर मैं काम करना चाहूँगा, अगर मैं स्टोर प्रोसीजर्स के थ्रू काम करूँगा तो फिर मैं इस मेथड को यूज़ करूँगा एग्जीक्यूट क्यूरी का, ये एक नाम से तीसरा मेथड है जिसमें मैं यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर के लिए कमांड टाइप दे रहा हूँ, तो कमांड टाइप मैं उसको वहाँ से दूंगा जो मिलेगी उसको कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, तो स्टोर प्रोसीजर की कमांड टाइप मिलेगी तो वही रोड के वेरिएबल बना लिए, कनेक्शन ओपन किया और यहाँ पे क्यूरी आ जाएगी, जो आपका स्टोर प्रोसीजर होगा वो आपके पास जो है वो यहाँ से रेंज के पास हो जाएगी, फिर यहाँ पे हम कमांड टाइप उसको देंगे। अब यहाँ क्यूरी की जगह क्या होगा, हमारे स्टोर प्रोसीजर का नाम आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे नाम पास करूँगा, वो नाम यहाँ मिल जाएगा, फिर कनेक्शन यहाँ मिल जाएगा, नाम हमारा स्ट्रिंग में होगा क्योंकि इनवर्टेड कॉमास के अंदर होगा, तो स्ट्रिंग लिया है तो वहाँ से नाम दे दूंगा मैं इसको। ये सब मैं जब प्रैक्टिकल करूँगा तो आपकी हर चीज़ समझ में आ जाएगी, फिल वगैरह आप ऐसे ही से बना लें इसको फिर से समझ में आ जाएगा। तो हमें पता है कि अगर मैं स्टोर प्रोसेस यूज़ करना चाहता हूँ तो हमें कंपलसरी एसक्यूएल कमांड की क्लास लेनी पड़ती है। रीज़न क्या है कि जो स्टोर प्रोसीजर है यानी कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर का मेथड है वो एसक्यूएल कमांड की क्लास के पास है, वो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर यानी डेटा टेबल या डेटा सेट के पास नहीं है, तो फिर हमारी मजबूरी है कि हमें लाजमन एसक्यूएल कमांड लेना है। तो इस एसक्यूएल कमांड के आर्गूमेंट पर आके हम जब स्टोर प्रोसीजर का नाम दूंगा मैं इस मेथड को यूज़ करते हुए, तो जो मैं नाम उसके आर्गूमेंट में इस जगह दूंगा वो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नाम आ जाएगा। फिर कनेक्शन मैंने इसी क्लास से बनाई है, वहीं से कनेक्शन को उठा लेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम कनेक्शन तो ओपन कर चुके हैं, तो फिर यहाँ पे रेंज करके मैं पैरामीटर्स जितने भी होंगे उस पैरामीटर्स को बंडल की शक्ल में, एरे की शक्ल में इसको पास करूँगा,
और फिर यहाँ पे जो कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर मैं वहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो चाहिए हो जाएगा सी एम डी डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। इसको जिस तरीके से इसको मालूम चलेगा एसक्यूएल कमांड की क्लास को कि स्टोर प्रोसीजर है, ये इनलाइन क्यूरी नहीं है। तो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर के लिए यही को मैंने ऊपर भी किया हुआ फ़र्क ये किया गया, यहाँ पे इसको इजाफा कर दिया और यहाँ पे मैंने इस लाइन को इजाफा कर दिया कि बता रहा हूँ कि स्टोर प्रोसीजर है। फिर इसके बाद वही रो अकाउंट के वेरिएबल को यूज़ करते हुए मैं एग्जीक्यूट नॉन क्यूर का मेथड इसको पास कर दूंगा कि अगर इसको मिल जाएगा तो सोता है वन पास करेगा, अगर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो वन पास करेगा, नहीं होगी तो जीरो पास करेगा। तो मैं कनेक्शन क्लोज करके यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर जीरो पास करता है तो देन रिटर्न कर दो फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न कर दो ट्रू। तो ये सारे मेथड्स होंगे। अब पूरी एप्लीकेशन में मुझे कोई और किसी भी जगह पे एग्जीक्यूट करने के लिए किसी मेथड की ज़रूरत नहीं है। पूरी एप्लीकेशन में मुझे कनेक्शन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको और अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, जब कनेक्शन को चेक कर सकते हैं, कनेक्शन डॉट स्टेट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, तो कनेक्शन क्लोज कर दो और फिर कनेक्शन ओपन कर दो। तो मैं वन टाइम सिर्फ इसी पेज पर मेहनत करूँगा। बाजू का तो ऐसा होता है ना, जैसे हम कनेक्शन ओपन करते हैं और हमारी क्यूरी एप्लीकेशन में कोई बग आ जाता है, कोई ऐसा इशू आ जाता है, तो देन उस सूरत में ये होता है कि कनेक्शन ओपन होता है और फिर एग्जीक्यूशन हमारी रुकती है, तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो हमारी जो है एक्सेप्शन जनरेट हो जाता है, तो वो कोड हमारा टूट जाता है। लेकिन चूँकि कनेक्शन ओपन होता है और जब दोबारा से हम बटन प्रेस करते हैं तो फिर हमें मैसेज आ जाता है कि कनेक्शन तो आपका ओपन है, आप दोबारा कनेक्शन ओपन क्यों कर रहे हो। तो फिर वो हमें बार बार जाके हर फॉर्म में जाके उसको मैनेज करना पड़ता है। फिर जिससे उसको मैनेज करने के लिए हम कनेक्शन को चेक करते हैं, अगर ओपन है तो क्लोज़ कर दो फिर ओपन कर दो, तो ये सब करने पड़ता है। तो फिर हमें बार बार जाके चेंज करना पड़ता है, वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ इफ़, और मैं कहता हूँ कनेक्शन डॉट स्टेट इक्वल टू, और मैं कहता हूँ कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, तो देन उस सूरत में यहाँ पर आके मैंने कह दिया कनेक्शन डॉट क्लोज। तो मुझे अब पूरी एप्लीकेशन में कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कनेक्शन क्लोज कर दूंगा और जब कनेक्शन क्लोज हो जाएगा तो इसके बाद हम यहाँ पे आके कनेक्शन को ओपन कर देंगे। तो ये मेथड से मैं यहाँ पास कर दूंगा और इन तमाम मेथड में देना चाहते हैं तो हम कॉपी कर लेंगे। तो अब ऐसा होता है कि खुदा ना खासा किसी वजह से अगर एप्लीकेशन हमारी क्रैश होती है, और जब क्रैश होती है तो दोबारा वो बटन प्रेस करता है क्योंकि उसके बाद एग्जिट चल रही है, उसके बाद तो सोर्स नहीं है कि डीबग पे ले जाएगा और आपको बताएगा इस लाइन में एरर है, वो तो एप्लीकेशन क्रैश का मैसेज पास कर देगा उसको। अगर हमने ट्राई कैच लगाया हो तो ट्राई कैच का मैसेज पास कर देगा, तो उसके सामने वो मैसेज आ जाएगा, लेकिन वो तो ओके करके दोबारा तो बारकोड लगाएगा ना, बारकोड सेल करेगा, जब मैनुअल होगा तो दोबारा मैनुअल वो बटन प्रेस करेगा, तो फिर एक और मैसेज आ जाएगा कनेक्शन ओपन है, फिर मैसेज आता रहेगा, और जब तक वो एप्लीकेशन भी उसको बंद करनी पड़ेगी और एक्सी को बंद करके दोबारा से उसको लॉगिन होना पड़ेगा। तो फिर हम क्योंकि कनेक्शन ओपन है, अब हो सकता चला इशू आ गया लेकिन बाद में कनेक्शन ओपन है, बाद में डेटा कॉन्फ्लिक्ट भी जाता है उससे भी मसला आ जाता है। तो फिर देन उस सूरत में आप क्या करोगे, कनेक्शन जहाँ जहाँ आप ओपन कर रहे हो उससे पहले कनेक्शन अगर ओपन है तो उसको क्लोज करा दिया और फिर कनेक्शन ओपन कर दिया, तो उसके बाद मुझे पूरी एप्लीकेशन में ये चीज़ें बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जब भी कोई बड़ी एप्लीकेशन बनती है तो हमेशा जो है वो टीयर बनाए जाते हैं, और जिसमें हम एन टीयर आर्किटेक्चर वगैरह भी बनता है, और जिसमें हम बिजनेस लॉजिक लेयर बनते हैं। अगर डिपार्टमेंट होते हैं तो मैं बिजनेस लॉजिक लेयर भी बनाता, बिजनेस एक्सेस लेयर भी बनाता है। इसके बाद अगर आपकी रिक्वेस्ट आई तो मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा जिसमें डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे मेरे पास मेरी तो 20 एप्लीकेशन ऐसी चल रही है जिसमें डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग हर डिपार्टमेंट्स की जो है मैंने इस पर काम किया हुआ है। तो फिर मुझे लाजमी उस जगह पे ऐसे ही करना पड़ता है कि हमें जो है वो साथ साथ जो है वो हर डिपार्टमेंट वाइज बिजनेस लॉजिक लेयर बनानी पड़ती है, हर डिपार्टमेंट वाइज बिजनेस एक्सेस लेयर बनानी पड़ती है। लेकिन डेटा एक्सेस लेयर एक ही होती है, जो कि यहाँ पर भी एक ही है, वो डेटा एक्सेस लेयर एक ही होती है जो डेटा बेस से कनेक्ट होती है और उसमें सारे एग्जीक्यूशन के मेथड होते हैं। लेकिन फिर जो बेसिकली हम जो स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं, फिर हम ये बटन पे नहीं लगाते हैं, उन फॉर्म पे नहीं लगाते हैं, बल्कि वो फिर हम बिजनेस लॉजिक लेयर में लगाते हैं, और फिर बिजनेस एक्सेस लेयर के अंदर हम एंटिटीज़ बनाते हैं जहाँ पे हम गेट सेट के मेथड यूज़ करके क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो एक बड़ी एप्लीकेशन के लिए होता है, और ये भी बड़ी एप्लीकेशन है, छोटी नहीं है। लेकिन इस एप्लीकेशन में जो हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो है इसका आउटपुट, यानी फास्ट आउटपुट का, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल ऐसी चीज़ है। अब एक शॉपकीपर है, अब उसके पास एक मिसाल है हमारे एप्लीकेशन स्लो परफॉर्मेंस देगी, तो उसके बाद मतलब उसके बाद रश लग जाएगी, और जब रश लग जाएगी तो वो हमारी एप्लीकेशन को पसंद ही करेगा, वो हमें वापस कर देगा, बोलेगा नहीं भाई ये तो मेरी मुश्किल हो गई है, यहाँ पे तो रश हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन स्लो है बहुत। तो हमें स्लो से बचाना है, फास्ट आउटपुट देना है, एक्यूरेसी के साथ देना है,
इसके अंदर ऑडिट हमें बहुत अच्छी तरह मैनेज करना है, इसके अंदर सेल हमें बहुत अच्छी तरह मैनेज करनी है और एक्यूरेसी करनी है। तो फिर हम यहाँ पे डेटा एक्सेस लेयर बना के, सिर्फ मैं डेटा एक्सेस लेयर बना रहा हूँ, बिजनेस लॉजिक लेयर, बिजनेस एक्सेस लेयर नहीं बना रहा हूँ, उसके बगैर काम करूँगा, लेकिन आपके साथ मेरे साथ साथ चलिएगा, मैं सारे फॉर्म आपके सामने जो है वो बनाऊँगा, तो आप समझ जाइएगा कि मैं डेटा एक्सेस लेयर क्यों यूज़ कर रहा हूँ। और आप लेकिन जिन्हें आपको अच्छा लगेगा कि आया बड़ा अच्छा हो गया कि हम बजाय हर फॉर्म के ऊपर कनेक्शन ओपन करते हैं, हर बटन पे कनेक्शन ओपन करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन के मेथड लगाते हैं, हम इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। तो ये साथ साथ चलें, मैं इसके बाद जो है नेक्स्ट में जो है वो स्टॉक की एंट्री करना सिखाऊंगा। तो इसकी ये फॉर्म आज बना लें और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जो है वो दूसरा फॉर्म बनाऊंगा, तब तक आप जैसे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप दूसरा फॉर्म मेरे साथ बनाइएगा। और मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट्स करें, और स्क्रिप्ट जिसको चाहिए हो इससे पिछले वाली इस इन्वेंट्री की एप्लीकेशन की वो उसके लिए मुझे कमेंट करें अपनी जीमेल आईडी के साथ। लेकिन कम से कम इतने ज़रूर कमेंट्स करें कि मेरी नज़रों के सामने आ जाए, अगर एक कमेंट करेगा तो मुझे नहीं मिलेगा, तो इतने ज़रूर करेगा ताकि मुझे जो है वो नज़र आ जाए, मैं फ़ौरन से आपको जो है उसकी स्क्रिप्ट मेल कर दूँ। तो इसके मेरे साथ से चलिएगा, कोई भी इशू होता है तो मुझे पूछते रहिएगा, और इंशाल्लाह आई थिंक आपको कोई मसला नहीं आएगा। फिलहाल तो हम सिर्फ डेटा एक्सेस लेयर बना रहे हैं और साथ साथ जो है बाकी फॉर्म भी डिज़ाइन करते रहेंगे और साथ में काम भी करते रहेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।